हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे लौकी पराठा। लौकी के पराठे बहुत ही हेल्दी होते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम लौकी लिए हैं। अब सबसे पहले हम इसका छिलका निकाल लेंगे और फिर इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम 1.5 कप गेहूँ का आटा डालेंगे। अब इसमें हम 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/3 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/3 चम्मच चाट मसाले डालेंगे, 1/3 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, बारीक कटी हुई थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, 2 चम्मच तेल डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे। हथेली की मदद से इसे हम इस तरह से गोल कर लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने गोल कर लिया है। अब इसे हम सूखे आटे में कोट करेंगे। फिर इसे हम हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने बेल लिया है। अब इसे हम 1 प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम सारे को बेल लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और तवा को गर्म होने देंगे। तो देखिए, अब तवा गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें हम बेला हुआ पराठा को डाल देंगे। फिर इसे हम थोड़ी देर बाद पलट लेंगे। थोड़ी देर हो चुका है, अब इसे हम पलट लेंगे। अब इसके ऊपर हम तेल को इस तरह से लगा देंगे। फिर इसे हम पलट लेंगे। इस साइड से भी हम तेल को अच्छी तरह से लगा देंगे। इसे हम उलटते पलटते इसे हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो देखिए, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम 1 प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह हम सारे पराठे को सेक लेंगे। तो देखिए, मैंने सारे पराठे को सेक लिया है। अब लौकी के हेल्दी पराठे बनके रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।